लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बंगाल में एक के बाद एक घटना सामने आ रही है। बहुत सारे केंद्रों के बीच, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 42 संख्या है लोकसभा केंद्र की पश्चिम बंगाल में, और इन सारी जो लोकसभा के केंद्र हैं, इनमें बहुत ज्यादा जो चर्चा में है वो उसका नाम है डायमंड हार्बर का केंद्र। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस लोकसभा केंद्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, जो कि टीएमसी या फिर तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 कहलाते हैं। और इसी केंद्र को लेकर लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही लोगों की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि खुले आम जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस चेतावनी दे रही थी कि दूसरे पार्टियों को, कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको सांसद बनना है, तो आइए लड़िए अभिषेक बैनर्जी के साथ इस केंद्र से। और इसके बाद ही देखा गया था कि आईएसएफ के लीडर, जैसे कि हमने देखा कि नौशाद सिद्दीकी, उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी थी कि वो चुनाव लड़ेंगे इसी केंद्र से। सिर्फ यही नहीं, मीडिया के सामने कई बार उन्होंने ये कमेंट भी किया, ये अपनी बात रखी कि सिर्फ यही नहीं कि वो लड़ेंगे इस केंद्र से, वो इस केंद्र से पूरी तरीके से जीत कराएंगे और अभिषेक बैनर्जी को डायमंड हार्बर के इस केंद्र में हरा कर कालीघाट वापस भेजेंगे। ऐसे कई बयानबाजी नौशाद सिद्दीकी ने की थी। लेकिन नौशाद सिद्दीकी क्या अब इस केंद्र से लड़ेंगे? अब ये बहुत बड़ी सवाल सामने आ रही है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट क्या राजी हो जाएगी कि नौशाद सिद्दीकी डायमंड हार्बर के केंद्र से लड़े? जो खबरें इस वक्त आ रही है, जो लीडर सब की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक लेफ्ट किसी तरह की आपत्ति नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि ये सुनने में आ रहा है कि कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल इसमें कहा कि हम सहमत हैं कि डायमंड हार्बर के केंद्र से अभिषेक बैनर्जी के विरोध में अगर लड़ाई करनी है, चुनावी लड़ाई, तो फिर नौशाद सिद्दीकी को ही करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी, एक चैलेंज दिया था उन्होंने कि वो डायमंड हार्बर से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ यही नहीं, वहाँ से जीत कर भी आएंगे, तो इस हिसाब से उनका उस केंद्र से लड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर हम बात करें व्यूअर्स के अभिषेक बैनर्जी के, तो हम जानते हैं कि जिस तरीके से वो हर बार चुनाव यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, अगर हम वोटों की संख्या देखें तो हमने देखा कि 2014 साल में हजारों की संख्या थी और उस वोट से वो जीते थे, और उसके बाद से देखा गया कि 2019 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभिषेक बैनर्जी की निश्चित जो हुई थी वो लाखों वोटों में हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लाखों वोटों पर वो वहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं, इससे साफ है कि डायमंड हार्बर केंद्र में अभिषेक बैनर्जी की जो छवि है, या फिर अगर हम कहें कि जो पॉपुलैरिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके सामने क्या नौशाद सिद्दीकी टिक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या वो जीत पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना आत्मविश्वास दिखाया है कि डायमंड हार्बर केंद्र से वो लड़ेंगे इस चुनाव को, और सिर्फ यही नहीं, वहां से जीत भी हासिल करेंगे, तो बहुत ही स्वाभाविक है व्यूअर्स की हर किसी की नजर पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर लोकसभा का जो केंद्र है इस तरफ बहुत ज्यादा गढ़ चुकी है, अड़ी हुई है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि क्या सही में नौशाद सिद्दीकी ही लड़ेंगे चुनावी लड़ाई लोकसभा केंद्र डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी के विरोध में, क्योंकि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी हमने आपको कहा, क्योंकि हमने देखा कि जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए, या फिर जो वृद्ध लोग हैं, उन सिर्फ महिला नहीं, पुरुष भी है उनमें शामिल, तो जो वृद्ध जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने जिस तरीके से भाता का वहाँ पर व्यवस्था किया, या फिर जो भी वो काम करते आए हैं, इसके जरिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस बार बार, या फिर अभिषेक बैनर्जी या फिर ममता बैनर्जी बार बार ये कहते हैं कि डायमंड हार्बर में जिस तरीके का काम हुआ है, जिस तरीके का काम अभिषेक बैनर्जी सांसद होने के बाद करते आए हुए हैं, तो उस हिसाब से डायमंड हार्बर एक मॉडल का रूप
डायमंड हार्बर ने ले लिया है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने सांसद होने के बाद काम किया है, तो हालांकि हम बता सकते हैं कि ये चीज को लेकर विरोधियों ने या फिर विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों ये वृद्ध भत्ता जो है वो सिर्फ डायमंड हार्बर के केंद्र को ही मिल रहा है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी वहां के सांसद है, तो फिर जो दूसरे केंद्र है या फिर जो दूसरे सांसद है उनकी क्या गलती है कि वो अपने केंद्र में ये राशि नहीं दे पा रहे हैं, ये सवाल बार बार उठते आया है। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही वृद्ध के लिए जो भी भत्ता अभिषेक बैनर्जी ने अब कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से ही ये दिया जाएगा, तो वहां पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर अभिषेक बैनर्जी ये राशि या फिर ये पैसा कहां से ला रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में विपक्ष के नेताओं ने भी उनके विरुद्ध में कई सवाल खड़े किए थे कि क्या ये पैसा कोयले तस्करी का पैसा है ये गाय, या फिर और कई सवाल यहाँ पर उठ के आ रहे थे। लेकिन अभिषेक बैनर्जी बार बार एक ही बात कहते जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो यहाँ से जीतेंगे, वो आत्मविश्वास है कि डायमंड हार्बर केंद्र में यहाँ के लोग उनके साथ हैं। और अगर हम देखें पिछले कुछ साल में तो ये बात बहुत ही सही है कि बार बार जिस तरीके से वो जीत कर आ रहे हैं और वोटों की संख्या जिस तरीके से एक के बाद एक कदम आगे बढ़ती ही जा रही है, तो इससे अभिषेक बैनर्जी का कॉन्फिडेंस यहाँ तक आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें नौशाद सिद्दीकी की, तो वो भी आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं अभिषेक बैनर्जी को। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सही में उन्हें वहाँ से लड़ने का मौका मिलता है, क्या वो सही में अभिषेक बैनर्जी के एकदम सामने लड़ सकते हैं डायमंड हार्बर केंद्र से, इसकी अनुमति मिल सकती है, इसकी सहमति मिलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ अगर सहमति मिलती है तो वहाँ पर उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो कितनी हैं, या फिर मुंह के बल में गिरना पड़ेगा। आप अपनी राय ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके दीजिएगा, आपके कमेंट के लिए हम इंतज़ार करते हैं। और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल खबरें लाल को, क्योंकि यहाँ पर होती है खबरें आपकी नज़र हमारी।